शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा। किसका खत पढ़ रही हो इतने प्यार से? मम्मी का। मैंने उन्हें लिखा था कि मुझे तुमसे तुमसे क्या मोहब्बत है। तो उसका जवाब आया है। क्या लिखा है? अरे बताओ तो सही क्या लिखा है। अरे बताओ तो सही क्या लिखा है। हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए सर, हमारी छुट्टियां हो गई हैं, कल हम बॉम्बे जा रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा है बच्चों। बम्बई शहर जाके अपने अपने माँ बाप से आशीर्वाद जरूर ले लेना, क्योंकि बगैर माँ बाप के आशीर्वाद के जिंदगी में असली रंग नहीं आता। मेरी ये राय, हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना है। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो, रब भाग लाए तुहानु। अरे श्याम, बेटी के आते ही दोस्तों को भूल गए तुम? अरे तुम भी कोई भूलने की चीज हो नरेन। नमस्ते अंकल। हाय राजा। हाय डॉली, हाउ आर यू? फाइन। तुम्हारा रिजल्ट निकला? निकला भी और फर्स्ट क्लास भी मिला। वैसे उम्मीद तो नहीं थी। वैसे उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, पर राजा पास हो गया। इसके फेल न होने की खुशी में बहुत ही जल्द एक पार्टी दूंगा तुम सबको। प्रॉमिस। अरे श्याम, वो वादा ही क्या जो वफा न हो। अरे भाई, वकील से शायर कब बन गए? अपनी शायरी तो तब से खत्म हो गई जब से राजा की मां नहीं रही। शायरी तो रमा करती थी, राधा भाभी से पूछो, इनकी तो गहरी दोस्त थी वो। हाँ भाई साहब, मुझे रमा की बहुत याद आती है, लेकिन शायद अच्छे लोग भगवान को कुछ ज्यादा ही प्यारे होते हैं। अरे रुक्मणी, नरेंद्र के साथ राजा भी आया है, कुछ चाय वाय का इंतजाम करो ना। हाँ। भाई साहब क्या पियेंगे? अरे नहीं भाभी, देर हो जाएगी, जल्दी कोर्ट जाना, डॉली से मिलने आए थे, अब चलते। चल मैं तुझे छोड़ आता हूँ। हेलो, मे आई स्पीक टू दीपिंती प्लीज? यू वॉन्ट टू स्पीक टू दीपिंती? जस्ट अ मिनट दीपिंती, तुम्हारा फोन। हेलो। कौन थे? पापा थे। मम्मी भी यहीं खड़ी हैं। तो मिलने आ जाओ। एक मिनट। हाँ मम्मी, वो अमित है, वो आप सबसे मिलना चाहता है। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, उसे फौरन बुला लो भाई। क्यों? अमित है। नमस्ते सर। अरे आओ अमित, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्यों? लड़का तो अच्छा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे आओ बैठो ना अमित। सर मैं जरा जल्दी में हूँ, शाम को हमारे घर पे पार्टी है, डैडी ने खास तौर पे डॉली को इनवाइट किया है। डैडी ने या तुमने? जी। हाँ। Cheers for my son. Cheers. Cheers. भाई मेहरा साहब, आज तो आपने कानून के वो दांव पेच दिखाए कि खून का सारा मामला उल्टा करके रख दिया और अपने क्लाइंट को फांसी के फंदे से बचा लिया। भाई वाह साहब वाह। मिस्टर कपूर, उसूल और कानून दो ही बातें तो मेरी जिंदगी ही, लेकिन साहब अजब जमाना आ गया है। आजकल लोग ना तो समाज के उसूलों की परवाह करते हैं और ना कानून की।
ऐसे लोगों को ज़हनी बीमारी तो कहा जा सकता है। ऐसे ही लोग तो समाज और कानून के दुश्मन होते हैं। अरे बार बार उधर क्या देख रहा है? अरे तू नहीं समझेगा यार। पापा ये दिपेंती जी। अरे भाई हम तो देखते ही पहचान गए थे, इतनी स्वीट लड़की दिपेंती के अलावा और कौन हो सकती है? Am I right? Thank you, sir. तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? अरे भाई दिपेंती के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लाओ। गो गो गो। राइट अवे सर। दिपेंती तुम अमित को बहुत पसंद करती हो? जी। अमित भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। अरे भाई तुम अपने पापा का नाम तो बताओ और ये बताओ वो करते क्या हैं? जी मेरे पापा का नाम डॉक्टर श्याम वर्मा है। डॉक्टर श्याम वर्मा, भाई ये नाम तो कुछ जाना पहचाना से लग रहा है। डॉक्टर श्याम वर्मा। एक्सक्यूज मी। अरे ये तो वही डॉक्टर श्याम वर्मा है जिनकी दो बीवियां हैं, एक से तो शादी कर ली और दूसरी को घर में बिठा लिया। I see. You stay there, young man. ये सामने बाहर जाने का रास्ता है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप बिना कुछ कहे वापस अपने घर चले जाओ और आइंदा फिर कभी इस घर में आने और अमित से मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम एक रखेल यानी एक मिस्ट्रेस, एक बिन ब्याही औरत की नाजायज औलाद हो। याद आ रहा है मुझे, राधा नाम है तुम्हारी मां का, उसके डॉक्टर श्याम से नाजायज ताल्लुकात थे। तुम उन्हीं ताल्लुकात का नतीजा हो। यहां से तशरीफ ले जाने के लिए इतना बस है कि कुछ और सुनना चाहती हो? नाउ गो अवे फ्रॉम हियर। गो। क्या हुआ पापा? दिपेंती रुक जाओ। अमित ऐसे बदनाम और गंदे साए के पीछे तुम्हें नहीं भागना चाहिए। मेहरा साहब ने मुझे भरी पार्टी में से बेइज्जत करके निकाल दिया। मुझ पर गंदा इल्जाम लगाया कि मैं साथन की बेटी हूँ, एक रखेल की बेटी। डॉली रहने दे उसे। अपने इस घर की दुनिया में सौतन या रखेल नाम की शब्द ही नहीं है। तू हमारी बेटी है, अपने पापा और हम दोनों की, मेरी और राधा की। लेकिन दुनिया वाले तो इसे मंजूर नहीं करते मम्मी, वो मुझे पाप के संतान समझते हैं। पाप तो उन देखने वालों के आंख में है डॉली, जो कुदरत को झुटलाना चाहते हैं और अपने मुर्दा उसूलों को आज भी समाज में चलाना चाहते हैं। लेकिन उसूल तो उनके चलते हैं मम्मी, वो तुम्हारे उसूलों को खोटा मानते हैं। खोट तो सोने में भी होती है और सच्चा सोना वही होता है जो आग में तप कर निकलता है। तू भी वही सच्चा सोना है। हाँ डॉली, तो एक जीती जागती सच्चाई है। जो इस सच्चाई को पाप कहते हैं वो खुद पापी हैं। तो फिक्र मत कर, तेरे इस सम्मान और इज्जत की लड़ाई मैं लड़ूंगी। मेहरा साहब से मैं खुद बात करूंगी। आप कुछ भी कहें मिसेस श्याम, मगर दिपेंती राधा की बेटी है। अगर वो आपकी बेटी होती, आपने उसे जन्म दिया होता, तो मैं एक बार अपने बेटे से उसकी शादी के बारे में सोच भी सकता था, मगर श्याम की नाजायज औलाद को। मेहरा साहब, औलाद तो औलाद होती है, जायज या नाजायज नहीं। मैं दिपेंती को अपने कोख से जन्मी हुई बेटी से ज्यादा पवित्र मानती हूँ। आप ऐसा मानती हैं? आपके ऐसा मानने से क्या होता है मिसेस श्याम? यह समाज कुछ उसूलों पर चलता है। इस समाज ने खुद अपने चलने के लिए पत्थर के पहिए बनाए हैं। लेकिन उसूलों के वो पत्थरीले पहिए आखिर इंसानों के लिए हैं। राधा एक शादीशुदा औरत है, श्याम की पत्नी है। ये रहा उनकी शादी का सबूत। मिसेस श्याम,
ये उनकी शादी का सबूत नहीं बल्कि समाज के मुंह पर एक गंदा थप्पड़ है। कोई भी आदमी एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है? समाज और कानून दोनों ही इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन मैं श्याम की पत्नी होते हुए भी राधा को श्याम की पत्नी मंजूर करती हूँ, इसलिए कि यह शादी मैंने खुद करवाई है। खूब, बहुत खूब। तो गोया आप अपने घर अपने लिए सौतन खुद ले आई। नहीं, सौतन नहीं, राधा मेरे लिए सीता की तरह है। आप शायद ये भूल गई कि लंका से लौटने के बाद सीता पर क्या बीती। एक मामूली से धोबी ने सीता पर अपवित्रता का इल्जाम लगाया। बात समझने की कोशिश कीजिए मिसेस श्याम, वो मामूली धोबी नहीं था बल्कि उस धोबी के रूप में पूरे समाज ने वो इल्जाम लगाया था। और रामायण के राम ने समाज की मर्यादा को रखने के लिए जीवन भर के लिए सीता को त्याग दिया था। ऐसे महान लोगों के त्याग ही ने समाज के उसूलों की बुनियाद को मजबूत बना रखा है। वो जमाना और था मेहरा साहब। ठीक है, यकीनन वो जमाना और था, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने पति श्याम के होते हुए किसी दूसरे मर्द को अपना पति मान सकती हैं? बोलिए, खामोश क्यों हैं? नहीं मान सकती ना। इसीलिए मैं कहता हूं मिसेस श्याम कि समाज चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसके उसूलों की इज्जत हम आज भी करते हैं। मैं कानून नहीं चलती, बस आखिरी बार यही कहना चाहती हूं, अपनी जिद की चक्की में मेरी बेटी दीपंती को मत पीसिए, उसकी मोहब्बत की इज्जत कीजिए। आप बार बार मुझसे एक ही बात मनवाना चाहती हैं कि मैं आपकी सौतन की बेटी को अपनी बहू बना लूं। मुझे इसी समाज में जिंदा रहना है मिसेस श्याम, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? यही ना कि मुझे अपने बेटे के लिए कोई अच्छे खानदान की बेटी नहीं मिली, इसलिए मैंने किसी रखेल की बेटी से उसकी शादी कर दी। आपके मन में समाज की इज्जत हो या ना हो, मेरे मन में है, और आप मेरे लिए समाज से बड़ी नहीं। इस समंदरी को लीजिए, इतना बड़ा होने के बावजूद इसने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, इसीलिए लोग समंदर की पूजा करते हैं। समंदर की पूजा तो सब करते हैं मेहरा साहब, लेकिन उसका पानी कोई नहीं पीता। हर बड़े छोटे में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। ठीक कहती हैं आप, लेकिन गंदे खून की बोतलें तो अस्पताल से भी फेंक दी जाती हैं, और आप एक रखेल की औलाद के खून को मेरे बेटे की नसों में चढ़ाकर मेरे खानदान के खून को गंदा करना चाहती हैं। नो, थैंक यू मिसेस श्याम, बेहतर होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं।